है चलिए इससे पहले कि आगे बढ़े और उस टॉपिक पे बात करें हम आपको बता दें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट अंतरिक्ष मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत सर थैंक यू तो जिस तरह से हमने शुरुआत की और ये कहा कि आ, अगर हम कोई नया इनोवेशन प्लान कर रहे हैं हमारे दिमाग में कोई भी नया थॉट चल रहा है तो उसका पेटेंट करा लेना या उसको अपने लिए आ, मैं कहूंगी कि रिजर्व कर लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज विच कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है जी तो जैसा आपने सही बोला कि अगर आपको किसी राइट को प्रोटेक्ट करना है अपने तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको किसी तरीके से बाकी लोगों को उस राइट को यूज करने से रोकना होगा राइट। और उस राइट को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं लॉज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं तो उन लॉस को कैसे यूज करें वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको बताते हैं कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं और आपको कैसे उनको यूज करना है okay. अब जैसे आपने सु, बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि आपने कुछ भी क्रिएट किया आपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आपने एक ड्राॅइंग बना दी एक पेंटिंग क्रिएट कर दी वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वहीं पे एक वैज्ञानिक है उन्होंने एक इन्वेंशन uh, किया एक आविष्कार किया वो भी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस है क्योंकि एक पेंटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक वैज्ञानिक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी और इसीलिए उनके लिए अलग अलग तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होती है तो वो अलग अलग तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई करना जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल mm. प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं mm. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के जैसे आपने बोला जरूरत इसीलिए है कि आप अपने राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये समझना और किस तरीके से आपको उन राइट्स को किस हेड के अंदर या किस तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि आ, किस तरह से कोई और आपकी आ, जो प्रॉपर्टी है या आई मीन जो आपका आइडिया है उसे यूज ना कर सके उसको रोकने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जाना होता है और अपने पूरे जो भी आइडिया उसको रिजर्व करके उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है